बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से हंसते मुस्कुराते खुशो खुरम होंगे। आज बहुत ही मज़ेदार ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है और बहुत ही यूज़फुल है। अक्सर आटा जो है वो खमीर हो जाता है घर में, कभी लाइट चली जाए या जिनके घर में फ्रिज नहीं है और गर्मी के मौसम में बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है, तो बहुत सारे लोग जो है ना वो बहुत परेशान हो जाते हैं, आटे को ज़ाया कर देते हैं, छान बूरा में डाल देते हैं। तो इसके हल के लिए मैं आपको आज एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी दे रही हूँ। तो ये आटा जो है ये मेरा खमीर हो चुका है, मैंने अब इसका क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। देखते रहिए, फॉलो कीजिए स्टेप बाय स्टेप, इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है, आपको बहुत अच्छी लगेगी। वीडियो को पूरा देखिएगा और प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना है, और नए आने वाले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाएँ और ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्दी मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं खमीर आटे के हल के लिए हम इसकी एक मज़ेदार सी रेसिपी कैसे तैयार करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर हमने ले लिया है तकरीबन 2 कप बेसन, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास है तकरीबन 3 अदद हरी मिर्चें जिनको मैंने काट लिया है रफली, और एक बड़े साइज़ की प्याज जिसको मैंने रफली काटा है, और हमारे पास है धनिया जिसको हमने बहुत ही बारीक जो है ना वो चॉप कर लिया है। धनिया तो मैं अभी इसमें शामिल कर देती हूँ, ठीक है, देखते रहिएगा वीडियो, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आने वाली है। धनिया मैंने डाल दिया, अब हरी मिर्ची और प्याज जो है इनको मैं चॉप कर लेती हूँ। अगर आप छुरी से करना चाहें तो छुरी से कर लें, या जैसे भी आप चाहें करना चाहें, तो इसको आपने चॉप करना है, पीसना नहीं है। तो मैं चॉप करने के बाद मिलती हूँ आप। अच्छा जी, देखें मैंने ना चॉप कर लिया है इसको, हरी मिर्च और प्याज को, और यहाँ पर देखें मैंने एक चुटकी अजवाइन डाली है और 2-3 चुटकी मैंने डाला है ज़ीरा, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। आधी चाय की चम्मच मैंने दड़ा मिर्च यानी चिली फ्लेक्स डाल दी है, और ये लहसुन और हरी मिर्च और प्याज का जो मिक्सचर पेस्ट बनाया है, चॉप किया है, वो मैं डाल दिया है मैंने सारा इसमें। अब हम जो मसाले इसमें मिलाएँगे उसमें है आधी चाय की चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ले सकते हैं। गरम मसाला पाउडर आधी चाय की चम्मच से थोड़ा सा कम, 1 चाय की चम्मच नमक डालेंगे और बाद में जो है ना वो चेक कर लेंगे हम। और अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है, गूंदना है बिल्कुल आटे की तरह, और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम थोड़ा थोड़ा सा पानी भी शामिल करेंगे, और इसको गूंदने के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा सा आटा गूंद लिया है मैंने, पानी बहुत ही कम लगाया है, सिर्फ हाथों पे 1-2 दफ़ा मैंने पानी मलाया है, बाकी सारा जो है ना बेसन आटे में इसी तरह मिक्स किया है बगैर पानी के। आपने भी ऐसे ही करना है, आटे के अंदर बिल्कुल अच्छी तरह इसको गूंद देना है, बिल्कुल भी ना लगे कि आटा अलग था और हमने बेसन बाद में डाला है। जैसे आटा पहले से गूंदा हो तो बाद में चीज़ें मिक्स करना थोड़ी मुश्किल होती हैं, लेकिन देखें कि हमने कितनी आसानी से इसको जो है ना अच्छा सा मिक्स कर लिया है। अब हम इसको रख देते हैं रेस्ट पर और बाकी चीज़ें जो हैं वो रेडी कर लेते हैं, तब तक जब तक ये रेस्ट में आता है तो हम इसकी रोटी बाद में बनाएंगे। तो चलिए हम बाकी चीज़ें इसके साथ जो लवाजमात हमने इस्तेमाल करने हैं वो मैं तैयार करती हूँ, आपको दिखाती हूँ। अब हमने 1 गड्डी लहसुन को छील लिया है और इसको हम पीसेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा ज़ीरा और तकरीबन 1 चम्मच लाल मिर्च, थोड़ी सी ज़्यादा कर लेते हैं, 1.5 चम्मच कर दिया है, हसबे ज़रूरत नमक डालेंगे, 1/2 चम्मच से कम डाला है मैंने इसमें नमक। और अब हम इसमें डालेंगे चंद कतरे या 1/2 चाय की चम्मच जो है सफ़ेद ज़ीरा, और अब हम इसको बहुत ही अच्छा सा पीस लेंगे। तो अच्छा सा पीसेंगे इसको, पीसने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। देखिए लहसुन की चटनी जो है वो तैयार है, हमने थोड़ा सा मज़ीद सिरका डालकर इसको थोड़ा पतला कर लिया है, और अब हम इसको साइड पर रख देते हैं। और यहाँ पर देखिए हमने रख दिया है चूल्हे पे तवा, और अब हम आटे के जो है ना वो नॉर्मल साइज़ के पेड़े बनाते हैं। देखिए हमने नॉर्मल साइज़ के पेड़े बना लिए हैं, अब हम जो है ना इसको बेलेंगे, नॉर्मल साइज़ की रोटी में बेलेंगे, और इसको हल्का हल्का सा सेंक कर हम घी लगा के हल्का हल्का सा और इसकी रोटी बना लेंगे पराठे की शक्ल की। देखिए जी, तवे पे रोटी जो है ना वो बेल के डाल दी है, तकरीबन 30 सेकंड हम इंतज़ार करेंगे और फिर हम इसको पलट देंगे। ये देखिए
ये देखिए, देख सकते हैं आपकी कितनी पतली रोटी है, बिल्कुल भी अब खमीर जो है आटा जो जैसे बुलबुले आ जाते हैं, बबल्स बन जाते हैं रोटी के ऊपर खमीर आटे से, बिल्कुल भी वो नहीं बने और बहुत ही टेस्टी ये रोटी जो है वो आपकी तैयार होगी। आप चाहें तो इसको चाय के साथ भी खा सकते हैं। और ये देखें हल्के हल्के से इस तरह हो गया है, तो अब हम इस पर बिल्कुल हल्का हल्का सा घी लगाएंगे। आप चाहें तो मक्खन भी लगा सकते हैं या देसी घी भी लगा सकते हैं, लेकिन हम इस वक्त वो नहीं लगा रहे और इसको हम बहुत ही हल्का हल्का सा घी लगाएंगे, ज़्यादा नहीं लगाएंगे क्योंकि गर्मी बहुत है। ये देखिए इस तरह हल्का हल्का सा इसको सेंक लेंगे हम बिल्कुल स्लो स्लो फ्लेम पर, ताकि ये अंदर से अच्छी तरीके से हमारी रोटी जो है वो सेंके और जल ना जाए। जहाँ से आपको नज़र आए कि सेंकने की ज़रूरत है उस तरफ से रोटी को फोल्ड करके सेंक ले, क्योंकि मेरा तवा जो है ना वो रोटी को बहुत जल्दी जला देता है। इस वजह से मैं बहुत एहतियात से जो है ना वो रोटी सेंकती हूँ, मुझे बहुत ही उलझन होती है रोटी सेंकते हुए, क्योंकि ये देखें पीछे से कैसे हो रहा है। तो अगर आपका तवा भी ऐसा है ना, तो ये देखें रोटियाँ तैयार हो रही हैं, मैं सारी तैयार कर लूँ फिर आपसे मिलती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जी, तमाम रोटियाँ हमने तैयार कर ली हैं, देख सकते हैं आपकी कितनी मज़े की लग रही हैं। और इसके साथ है लहसुन की चटनी, जो कि आपने देखा कि मैंने किस तरह बनाई है, और साथ में हमने दही की लस्सी बनाई है पानी और नमक डाल के। तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का आपका लंच या डिनर जहाँ जब भी आप खाना चाहें तैयार है। तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? इंशाल्लाह कभी अब आप जो है ना अपना खमीर आटा जो है वो ज़ाया नहीं करेंगे, छान बूरे में नहीं डालेंगे, उसको इस्तेमाल में लाएंगे। और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है जो आपको बहुत अच्छी लगेगी, बहुत मज़ा आएगा आपको ये खा के। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें, ताकि हर वीडियो इसी तरह की अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी वीडियो जो है वो आपको बरवक्त मिल सके। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक का बटन लाजमी दबा दें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।